हाँ तो इसको कंप्लीट लिखिए, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मुख्य अवयव। इसमें आयन सोर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, लिखना स्टार्ट करने से पहले हम आयन सोर्स देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट देखिए, वापस एक लाइन डालते हैं, सबसे पहले समझिए, सब लाइन नहीं डालनी है इस बार, सबको कॉमन समझा रहे हैं क्योंकि, है ना। देखिए, हमारा फर्स्ट है आयन सोर्स क्या होता है, मतलब कि आयन स्रोत क्या होते हैं, आयन सोर्स क्या होता है, मींस आयन स्रोत क्या है। देखो, आपको पता चल रहा है जैसे सोर्स, सोर्स मतलब कि जहाँ से हमें कुछ चीज़ मिलती है, ठीक। आयन सोर्स मतलब जिस न्यूक्लियस का हम लोगों को आयन चाहिए, जिस न्यूक्लियर का हमें मास फाइंड करना है, उसके हमने क्या लिए, आयन्स लिए। वो कहाँ से लेते हैं, आयन सोर्स से लेते हैं, ठीक है। अब उन सोर्स को किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से डाला जाता है, क्या ट्यूब यूज़ की जाती है, हम उसके लिए एक अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि जो भारी न्यूक्लियर्स होते हैं उनके लिए स्पार्किंग की तरह भेजा जाता है, आयन सोर्स है। अगर हमें किसी चीज़ में भेजना है, ट्यूब के अंदर भेजना है, जैसे कि हम यहाँ से आयन सोर्स भेज रहे थे ना कुछ ऐसे, और ये एक लंबी सी ट्यूब सी निकली हुई थी, ठीक। हम जब आयन सोर्स को भेज रहे हैं, अगर कोई भी हैवी न्यूक्लियर है, लाइक क्या यूरेनियम, कोई भारी नाभिक है, तो हम कैसे भेजेंगे उसको, स्पार्किंग की तरह भेजेंगे, ठीक है। मतलब कि उनको स्पार्क करके भेजेंगे, राइट, बोछार करेंगे उनकी, ठीक है। बाकी ये तो हुई हैवी न्यूक्लियर की बात। अगर हम गैस की बात करें, जो भी गैसेस हो उनको हम किससे भेजते हैं, एक आती है डिसचार्जिंग ट्यूब आती है। अगर हमें किसी गैस का मास स्पेक्ट्रोग्राफ से द्रव्यमान ज्ञात करना है, मास निकालना है, तो हम कैसे भेजेंगे उसे, डिसचार्जिंग ट्यूब से भेजेंगे, राइट। तो डिसचार्जिंग ट्यूब से गैसेस के लिए यूज़ होता है, स्पार्किंग मतलब कि बौछार करते हैं वो किसके होगा, हैवी न्यूक्लियाई के लिए होगा, ठीक है। और बाकी जो मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, मिनरल मटेरियल्स, तो जो हमारे पास में मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बाकी जो भी मटेरियल्स हैं, अब इनसे जो भी बचे हुए हैं उनको हम किससे भेजते हैं बच्चों, उन्हें हम गर्म करके भेजते हैं, हीटेड करके। कहने का मतलब है, वापस सुनिए, देखिए, ये आयन सोर्स हैं, यहाँ पर हमें क्या डालने हैं, आयन्स को डालने हैं, उनके थ्री टाइप्स हो सकते हैं। अगर कोई गैसेस हैं, गैस हैं, तो गैस को किससे भेजते हैं, डिस्चार्जिंग ट्यूब से भेजते हैं। अगर जिसका मास निकालना है वो कोई हैवी न्यूक्लियर है, जैसे यूरेनियम है, तो हम स्पार्किंग करके भेजते हैं, बुछार करके भेजते हैं। और बाकी अब इनसे जो भी बच गए, मिनरल्स बच गए हैं, जो भी दूसरी चीज़ें बच गई हैं, उनको हम गर्म करके भेजा जाता है। ये है आयन सोर्स की कहानी। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए,
आयन सोर्स के लिए, राइट? तो इसमें लिखिए आयन सोर्स फर्स्ट, आयन सोर्स, इसमें आएगा सच एपरेटस इन विच एटम ऑफ अननोन, इन विच एटम ऑफ अननोन मास आर ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ आयन्स नॉन एज आयन सोर्स, नोन एज आयन सोर्स. आयन सोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ आयन्स. आयन सोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ आयन्स. जैसे फर्स्ट लिखिए to obtain helium atom as ions. तो इसके लिए यूज क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग ट्यूब इज यूज्ड. एंड इसमें हम सेकेंड लिखे तो टू ऑब्टेन आयन ऑफ मिनरल मटेरियल they are heated. और थर्ड में लिखना है electric sparkling is used for heavy nuclei. क्लियर हो गई वाली बात? सेम आयन सोर्स के बारे में हम लोग लिखते हैं हिंदी मीडियम के लिए आयन स्रोत, ठीक है? आयन स्रोत. ठीक है, इसमें लिखिए आयन स्रोत. एक आयन स्रोत में जिस प्रकार के परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, उन्हें एकधा या बहुधा आयनों
के रूप में ज्ञात किया जाता है, जो कि आयनों की जो कि आयनों की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, राइट? ठीक है, तो इसमें लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट लिखिए क्षारीय धातु, क्षारीय धातुओं लाइक लिथियम है ना, क्षारीय धातुओं को गर्म करके आसानी से प्राप्त किया जाता है, क्षारीय धातु को गर्म करके आसानी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम और सेकंड में लिखिए यूरेनियम जैसे भारी नाभिकों के लिए, भारी नाभिकों के लिए स्पार्किंग किया जाता है। थर्ड में लिखिए, थर्ड में नेक्स्ट लिखिए गैस या वाष्प को नेक्स्ट में लिखिए हीलियम जैसे गैस को, हीलियम जैसे गैस को विसर्जन नली द्वारा प्राप्त किया जाता है, राइट? तो यहाँ तक लिखिए पहले,
नेक्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी, मतलब फिल्टर के बारे में लिखना है, ठीक है। अब फिल्टर में भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एनर्जी फिल्टर, वेग वेलोसिटी फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोगों का टॉपिक है वो किसके रिगार्डिंग है, फिल्टर से। फिल्टर का वर्क क्या होता है, फिल्टर नाम से ही मालूम पड़ रहा है फिल्टर। अगर हम एनर्जी फिल्टर कर रहे हैं, एनर्जी फिल्टर मतलब कि जो भी आयंस होंगे जिनके भी एनर्जी सेम है उनको फिल्टर करके दे देगा, और जिनकी नहीं है उन्हें नहीं देगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है वो लिखिए, एनर्जी फिल्टर। इसमें लिखिए एनर्जी फिल्टर में सच एपरेटस विच आयन ऑफ सेम एनर्जी आर ऑब्टेंड नोन एज एनर्जी फिल्टर, ठीक है। तो इसमें लिखिए आगे, फॉर लो एनर्जी फिल्टर यू नॉर्मल एनर्जी फिल्टर इज यूज्ड इन इट आयंस आर पासेज थ्रू टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड बिटवीन देम between them if potential is V then एनर्जी विल बी
तो आपको मालूम है ना एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। और अगर यह चार्ज क्या है, ई है, तो ये क्या बन गया, ई वी, तो ई इज इक्वल्स टू ई वी। अगर आयंस बहुत ज़्यादा हैं तो हम नंबर लगा देते हैं कि ई इज इक्वल्स टू एन ई वी, ठीक है। तो इसको लिखिए यहाँ तक का, एन ई वी, और इसमें कुछ डायग्राम बनाइए ऐसे। सॉरी, यहाँ पर आयंस हैं, इसे हम आयन सोर्स बोलते हैं, आयंस हैं, इसमें आयन सोर्स हैं, जिसका ये V पोटेंशियल एनर्जी का है, V पोटेंशियल डिफरेंस का है, इसमें से ये कुछ इस तरीके से एक बीम बन के निकलते हैं, कुछ इस तरीके से ये बीम बन के इसमें से निकलते हैं, ठीक है। तो इसे बनाइए, और नेक्स्ट जब तक हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखते हैं, इसके बाद आपके पास में यहीं आगे चलेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले डालिए इसमें टॉपिक ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा फिल्टर, ऊर्जा फिल्टर, इसमें लिखिए वह उपकरण, वह उपकरण जिसके द्वारा, वह उपकरण जिसके द्वारा समान ऊर्जा के आयन प्राप्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, ऊर्जा फिल्टर कहलाते हैं, राइट, ऊर्जा फिल्टर कहलाते हैं। आगे इसमें लिखिए कम ऊर्जा तथा मध्यम ऊर्जा के लिए फिल्टर प्रयोग में लाए जाते हैं, फिल्टर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें आयनों को आयन पुंज के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो कि दो समांतर, जो कि दो समांतर, जो कि दो समांतर इलेक्ट्रोड्स, जो कि दो समांतर इलेक्ट्रोड्स
के मध्य वोल्टता वी का वोल्टता वी के अंतराल वोल्टता वी के अंतराल में रखकर किया जाता है, जो कि वोल्टता वी के अंतराल में रखकर किया जाता है। अतः ऊर्जा ई इस प्रकार होगी कि, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या था? आयन सोर्स था। क्या है ये? आयन सोर्स है, राइट? और इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर, आयन सोर्स के यहाँ पे एक V का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, और यहाँ पर कुछ आयन्स हैं। जब V का लगाया तो ये पुंज के रूप में निकलते हैं, ऐसे पुंज के रूप में, ठीक है? तो इनकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? हमने देखी थी लास्ट टाइम कि E इज इक्वल्स टू Q इंटू V, या फिर इसे बोल सकते हैं E V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आने वाले आयन्स N हैं तो हम क्या कहेंगे? E इज इक्वल्स टू बच्चों N E V, ठीक है? N E V, तो इसको लिखिए एन ई वी। आगे लिखिए इसमें लिखना है, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों को स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से लिखना। एनर्जी फिल्टर ही चल रहा है अभी अपना टॉपिक, इसमें लिखिए एनर्जी फिल्टर में आगे। For high energy, for high energy for high energy cylindrical energy filter cylindrical energy filter is used full stop in it there is two cylindrical plates at a small difference d at a small distance लिख लो, ऐसे करो उसको ना, distance d
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स सो दैट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सो दैट इट डायरेक्शन रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटीज इफ रेडियस ऑफ प्लेट इज आर देन ठीक है यही सेम थ्योरेटिकल इसका लिख देते हैं हिंदी मीडियम के लिए ऊर्जा फिल्टर के अंदर ही आएगा ऊर्जा फिल्टर में ही उसमें लिखिए टॉपिक हट गया हमारा ऊर्जा फिल्टर इसी के अंतर्गत है ना देखिए लिखिए इसमें उच्च ऊर्जा आयन के लिए उच्च ऊर्जा आयन के लिए बेलनाकार ऊर्जा बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर का उपयोग किया जाता है जिसकी दोनों प्लेटों के मध्य दूरी डी हो तो जिसकी दोनों प्लेटों के मध्य दूरी डी हो तो और ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा दी जाए और उनके बीच त्रिज्या आर हो तो ठीक है तो इसको लिखिए आगे लिखते हैं फिर इसके बाद में कॉमन बनाएंगे डायग्राम इनका हम
अब देखिए कॉमन ही दोनों के लिए डायग्राम बना देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसके नीचे डायग्राम बनाए और हिंदी मीडियम अपने वाले इसके, ठीक है। मैं डायग्राम दोनों के लिए कॉमन बना रही हूँ। हमने यहाँ पढ़ा कि जो एनर्जी फिल्टर है और उसमें हाई एनर्जी के लिए सिलेंड्रिकल यूज में लिया जाता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। कैसे लेते हैं, देखिए ये क्या है, एक आयन सोर्स है हमारे पास में और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल मिलता है। आयन सोर्स है इसके अंदर, क्या है, आयन सोर्स जिनका पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है माइनस का साइन, ये क्या है प्लस का साइन, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है डी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी कैसी होगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होती है एम वी का स्क्वायर अपॉन आर, और पीछे से अभी देखिए हमने एनर्जी क्या होती है क्यू ई, राइट। और जो ई की वैल्यू थी वो क्या देखी थी, ई एनर्जी, क्यू ई की जगह हम लिख सकते हैं एन ई वी बाई डी, ये क्या बना एम वी का स्क्वायर अपॉन में आर, राइट। ये हमने लिखा कैसे है, क्योंकि अभी अभी हम लास्ट में देखकर आए हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन ई वी होता है, ठीक है, और E इज इक्वल टू वी अपॉन में डी भी होता है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस भी होता है E इज इक्वल टू। यहां से R को यहां भेजते हैं, ये क्या बना एम वी का स्क्वायर आर एन ई वी अपॉन में डी। अगर एनर्जी देखनी है तो दोनों साइड क्या कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आई हमारे पास में, ठीक है। तो इसे लिखिए हाफ एन ई वी आर टू डी, और इसे क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल एनर्जी फिल्टर, राइट। ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स एनर्जी फिल्टर के बारे में, कल हम देखेंगे मोमेंटम फिल्टर के लिए।